नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नया और मज़ेदार वीडियो लेके अपनी उसी सीरीज का, जिसमें हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आज निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया और कैसे परफॉर्म किया, आज बाजार में क्या हलचल रही और निफ्टी किस तरह ऊपर गई, किस तरह नीचे गई और क्यों गई, और साथ में कुछ और इसमें एनालिसिस में हम कुछ डेटा ऐड करेंगे FIs का कि डेली FIs और DIs की एक्टिविटी कैसे रही। दोस्तों, ये चैनल का पर्पज़ आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए है और मैं अपने थॉट्स को आपके ऊपर बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी लाइफ है, जैसा आप जीना चाहते हैं हम जी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, फेसबुक प्रोफाइल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल के थ्रू आप मुझसे टच में रह सकते हैं। दोस्तों, आज की सीरीज निफ्टी एनालिसिस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, 22 मई आज तारीख है और आज देखते हैं कि निफ्टी ने आज परफॉर्म कैसे किया। चलिए हम आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज का निफ्टी का चार्ट है, ये आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये 16 मई की थी रेड कैंडल, 17 को भी रेड कैंडल है, बड़ी कैंडल है, उसके बाद 18 को और बड़ी कैंडल रेड है, 19 को और बड़ी कैंडल है, हायर लो और नया लो बनता जा रहा है। देखिए, लोअर 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 हाई बनते जा रहे हैं आप देखिए। और आज की तारीख ये देखिए, इस कैंडल पे अपनाएंगे तो 22 मई आज क्या भी देखेंगे तो लोअर हाई है और लोअर लो, नया लो बना है बाजार में। आप देखेंगे तो प्री ओपन मार्केट में अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो तो निफ्टी ने 474 का भी लो लगाया स्पॉट निफ्टी ने, और वहां से जब ओपनिंग हुई है तो 530-35 से ऊपर ओपनिंग हुई है, और दिन में निफ्टी 500 तोड़ने के बाद, 496 लगाने के बाद, 494 लगाने के बाद निफ्टी वापस फ्यूचर में 472 तक लगाने में कामयाब हुई, पर वो सस्ते नहीं की। ये डेली चार्ट है दोस्तों, अगर आप इसमें अगर आप 1 आवर चार्ट देखेंगे दिन का तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप देखिए, बाजार गिर रहा था, गिरने के बाद उसने कहीं कभी बाइंग करी, कभी सेलिंग करी, पूरे दिन आज इन्वेस्टर्स को बहुत बिजी रखा है, 540 में वो क्लोज करने में कामयाब हुए हैं। और इसमें विक्स ने बड़ा रोल प्ले किया ऑप्शंस के प्रीमियम को खराब करने के लिए, जिन लोगों ने ऑप्शंस में काम कर रखा था उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि आज विक्स बहुत गिरा है, 5% के ज़्यादा विक्स गिरा है, जो वोलेटिलिटी दर्शाता है। और अगर आप इसमें 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में भी देखिए बहुत जिगजैग मूवमेंट रही है दोस्तों, कभी बाइंग हुई है, कभी सेलिंग हुई है, बिल्कुल भी क्लियर मूवमेंट नहीं रहा। बट अगर मैं इसी को हम आवरली चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें, आवरली चार्ट भी ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग है, बट आखिरी के घंटे में बाइंग होती दिखाई दी है जो ग्रीन कैंडल है, पर डेली चार्ट में अभी भी सेलिंग बनी हुई है। 500 का जो सपोर्ट कल मैंने डिस्कस किया था, 500 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, और हो सकता है निफ्टी वहां से पुल बैक ले। अगर निफ्टी 500 के सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब नहीं रहती है तो बाजार वापस भी रिकवर कर सकता है, देखने वाली बात होगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। और इसके पीछे एक और डेटा हम शेयर कर लेते हैं, आज के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन कैसी रही। ये आज का डेटा है दोस्तों, ये आप तारीख देख सकते हैं, निफ्टी स्पॉट में 536 रुपये 70 पैसे बंद हुई है और 22 मई आपके स्क्रीन पे डेट है। तो आज का डेटा है दोस्तों, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, 10,800 के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है 14,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में। मतलब बाजार को 10,800 से ऊपर नहीं देखा जा रहा है। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि कॉल पुट का ऑप्शन चार्ट जो है ये कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, आप इसको बिल्कुल भी ऐसे ना सोचें कि अगर कॉल साइड ज्यादा है तो बाजार तेज होगा, अगर पुट साइड मंदी है तो बाजार मंदा होने वाला है। मैं इसको उल्टा देखता हूँ, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इसको उल्टा देखते हैं। अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले ये जो फिगर थी ऑप्शंस में पुट साइड में, ये बढ़ के 4 करोड़ 90 लाख तक चली गई थी और यहाँ पे 3 करोड़ 80 लाख का डेटा था। देखिए, वहां से बाजार पुट साइड में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होते हुए भी बाजार ने 950 को हाई लगाया, 949 के आसपास हाई लगाया था, तो वहां से बाजार गिरता आ रहा है। और स्थिति देखिए, 4 करोड़ 90 लाख से आज 3 करोड़ 60 लाख पुट्स रह गई हैं और 3 करोड़ 10 लाख वाली जो कॉल ऑप्शन थी वो 4 करोड़ से ऊपर चली गई हैं। 10,800 को बाजार नहीं पसंद कर रहा है, तो इसलिए 10,800 की कॉल को जम के राइटिंग हुई है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ वो 10,500 की कॉल भी राइट हुई है दोस्तों, ठीक है। तो 10,500 से भी ऊपर बाजार तेजी नहीं दिख रहा है। यहीं अगर हम पुट साइड में आने की कोशिश करें तो पुट साइड में 10,500 से ओपन इंटरेस्ट घटा है, मतलब यहां से घट रहा है और यहां बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, बाजार एक रेंज में अभी घूम रहा है, 500-600 की रेंज में, आपने देखा भी होगा 570 तक बाजार गया, नीचे में 500 आया, ये एक रेंज है। इस रेंज को अगर किसी भी साइड तोड़ने में बाजार कामयाब होगा तभी एक नई चाल मिलने की संभावना है, वरना बाजार कंफ्यूज करेगा। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं कि FIs और DIs की एक्टिविटी क्या रही है अभी तक मई के महीने में। आप 2 मई से देखिए, जो महीना स्टार्ट हुआ यहाँ से, हमने आपको पहले भी बताया था जो मेरा कर्नाटका इलेक्शन वाला वीडियो था उसमें,
कि एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, लगातार सेलिंग हो रही है। खाली एक 14 मई को एफआईएस ने थोड़ी बहुत बाइंग की थी, पर डीआईएस जो डोमेस्टिक हैं, हमारे जो डीआईएस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, और ये देखिए इनकी लगातार बाइंग, एफआईएस लगातार निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, डेली एफआईएस की सेलिंग हो रही है। 21 मई कल की तारीख में भी 500 करोड़ के आसपास, 496 करोड़ की सेलिंग की है एफआईएस ने, वहीं 1190 करोड़ की जम के बाइंग की है डीआईएस ने। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मतलब पूरे महीने में एफआईएस ने 6422 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 8577 करोड़ का माल खरीदा है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, आज की डेट में अगर हमारा बाजार कहीं नहीं जा रहा है, अगर ग्लोबल इश्यूज को भी देखा जाए, क्रूड इतना बढ़ रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे कभी ये न्यूज़ आती है कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, कहीं से उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है, उनका हम पे कोई असर नहीं है। एफआईएस बेच रहे हैं तो डीआईएस उससे ज़्यादा खरीद भी रहे हैं माल। आप हर बार देखेंगे तो एफआईएस के बनस्पत डीआईएस बाइंग में है लगातार, और ये ग्रॉस डेटा इसको बता रहा है। तो दोस्तों इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो मोटा मोटा एक आपको आइडिया लग जाता है कि बाजार किस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। और ऑप्शन चेंज एनालिसिस बहुत क्लियर कह रहा है कि बाजार 500-600 की रेंज में घूमने वाला है। अभी 800 तो अभी लगता है मुश्किल है, कोई जब तक कोई खास खबर नहीं आती है इसमें। और जो डेली चार्ट निफ्टी का जो बता रहा है वो सेलिंग ही बता रहा है, और जो आखिरी, हालांकि आखिरी के आखिरी घंटे में बाजार में बाइंग जरूर दिखाई दी, थोड़ा पुल बैक दिखाई दिया, पर देखने वाली बात है कि क्या बाजार 500 550 के लेवल को ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाएगा। अगर करेगा तो फ्रेश बाइंग आएगी, और ये हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ही पता लगने वाला है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, ये एनालिसिस की सीरीज निफ्टी की डेली आपके पास एक वीडियो आती रहेगी, इसमें बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।